हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। डेली की तरह बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेकर के आ गई हूँ। आज के सेशन में 50 एमसीक्यू बेस्ट क्वेश्चंस हैं। आप सभी रेडी हो जाइए अपना अपना स्कोर चेक करने के लिए। जैसा कि एमपी टेट एग्जाम के बाद उसका मुख्य परीक्षा मिडिल एंड प्राइमरी का जल्द से जल्द विज्ञापन आने वाला है। आपका 8 से 10 दिन के अंदर निश्चित है कि विज्ञापन आ जाएगा मेन एग्जाम का। एंड दोस्तों, UPTGT एंड UPLT ग्रेड इस सभी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अदर स्टेट का TGT, PGT, NKBS, NBS किसी भी कंपटीशन फिजिकल एजुकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के कॉन्टेंट अवेलेबल है। चाहे आप थ्योरी सेशन डिटेल में पढ़ना चाहे, चाहे MCQ प्रैक्टिस करना चाहे, चाहे ऑनलाइन एंड क्वेश्चन, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट कीजिए और अपना प्रिपरेशन कीजिए। एंड डेली बेसिस में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ पे प्रैक्टिस होता है, वो भी वेस्ट क्वेश्चनों का, वो भी फालतू चीज़ें नहीं होता है। जो आपके एग्जाम में आएगा वही चीज़ें यहाँ पे बात होता है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, समय नष्ट करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, चमगादड़ के आकार की मानव शरीर में कौन सी अस्थि होती है? तो स्फेनॉइड होती है। जैसे कि हमारे जो क्रेनियल में 8 बोन होती हैं, उसमें से स्फेनॉइड होता है। जैसे कि फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड, इथेमॉइड, ये 8 बोन होती हैं हमारे मस्तिष्क की। नेक्स्ट है, आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो दोस्तों, आँख का जो सामने से आपको गोला गोला भूरा भूरा सा दिखाई देता है कॉर्निया, वो कॉर्निया वाला भाग जो है दान किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, कान के मध्य में कौन सा तरल पदार्थ होता है जो हमारा शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो कान के मध्य में इंडोलिम्फ नाम के तरल पदार्थ पाया जाता है, जो शरीर के संतुलन बनाने में काम करता है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कान के मुख्य कार्य क्या है। तो कान के 2 मुख्य कार्य हैं, एक सुनना, एक संतुलन बनाना। नेक्स्ट है, कार्टिलेजियस ज्वाइंट किस प्रकार के जोड़ को कहा जाता है? तो दोस्तों, कार्टिलेजियस ज्वाइंट जो है सिग्नली मूवेबल ज्वाइंट यानी कि अर्धचल संधि को कहा जाता है। जैसे कि मानव शरीर में ज्वाइंट्स जो है 3 प्रकार के होते हैं, चल, अर्धचल एंड अचल। चल संधि को साइनोवियल ज्वाइंट या मूवेबल ज्वाइंट या डायर्थ्रोसिस ज्वाइंट कहा जाता है या फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट कहा जाता है। एंड अचल संधि को कार्टिलेजियस ज्वाइंट, सिग्नली मूवेबल ज्वाइंट, एम्फियार्थ्रोसिस ज्वाइंट कहा जाता है। एंड अचल संधि को फाइबर्स ज्वाइंट, फिक्स ज्वाइंट, साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट एंड इमूवेबल ज्वाइंट आदि नामों से जाना जाता है, जिसके बारे में मैंने किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए और इसके बारे में डिटेल में आप थ्योरी सेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, केंद्रक का आविष्कार किसने किया था? तो केंद्रक का आविष्कार किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। एंड कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। नेक्स्ट है, बीच वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बीच वॉलीबॉल की एक टीम में 2 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एकमात्र खिलाड़ी जिसे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से नवाजा गया है वो कौन सा है? नादिया कुमानसी। नादिया कुमानसी जो ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से नवाजी गई हैं। नेक्स्ट है, पहला ओलंपिक जो 3 शहरों में आयोजित हुआ वो कौन सा ओलंपिक है जो 3 शहरों में आयोजित हुआ? तो 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक जो है 3 शहरों एंटवर्प, ओस्टेंड एंड अमेस्टर्डम बेल्जियम के 3 शहरों में आयोजित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में योग के राष्ट्रीय संस्थान का क्या नाम है और वह किस शहर में स्थित है? तो भारत में योग के राष्ट्रीय संस्थान का नाम है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म का जनक किसे कहा जाता है?
तो प्रकृतिवाद निचलेलिज्म का जनक रूसो को कहा जाता है। दोस्तों आदर्शवाद आइडियलिज्म के जनक हैं प्लेटो एंड यथार्थवाद रियलिज्म के जनक हैं अरस्तु एंड प्रैग्मेटिज्म एक्सपेरिमेंटिज्म व्यवहारवाद जिसे प्रयोगवाद भी कहते हैं उसके जनक हैं जॉन डीवी। नेक्स्ट है इक्वेस्ट्रेन नामक खेल किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है हॉर्स यानी कि घोड़ा रेस से। नेक्स्ट है जिस प्रकार फुटबॉल खेल में पहले का नाम है उसी प्रकार बास्केटबॉल में किसका नाम है, जैसे फुटबॉल के क्षेत्र में सबसे महान खिलाड़ी पहले हैं तो बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन है। कौन है बास्केटबॉल में है आपके माइकल जेफरी जॉर्डन। नेक्स्ट दोस्तों जिस प्रकार टेनिस में विंबलडन है उसी प्रकार बैडमिंटन में क्या है, तो उसी प्रकार बैडमिंटन में है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। नेक्स्ट दोस्तों जिस प्रकार पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन है उसी प्रकार महिलाओं के लिए कौन सा हार्मोन है, तो वह है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कौन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट दोस्तों जिस प्रकार केरला के लिए वॉलीबॉल है उसी प्रकार पश्चिम बंगाल के लिए क्या है, तो फुटबॉल है। क्या है फुटबॉल। जिस प्रकार केरल में वॉलीबॉल ज़्यादा खेला जाता है तो पश्चिम बंगाल में क्या ज़्यादा खेला जाता है फुटबॉल। एंड दोस्तों नेक्स्ट है जिस प्रकार टेबल टेनिस को पिंग पोंग कहा जाता है उसी प्रकार बैडमिंटन को क्या कहा जाता है, तो बैटल डोर। बैडमिंटन को क्या बोला जाता है बैटल डोर, जिस प्रकार टेबल टेनिस को पिंग पोंग नाम से जाना जाता है। नए शरीर में से क्या विषम है, तो यहाँ पे दोस्तों 1948 2012 1908 ये तीनों के तीनों ओलंपिक्स आयोजित हुए हैं लंदन में। एंड यहाँ पे ख 2016 आपका विषम है क्योंकि 2016 रियो ओलंपिक ब्राज़ील में आयोजित हुआ है। एंड इसके अलावा 48 1912 1908 ये तीनों लंदन में आयोजित हुए हैं। नेक्स्ट है इनमें से क्या विषम है, तो यहाँ पे इन्वर्टेज इरेफसिन एमाइलेज लैक्टोज, तो इसमें विषम है आपका इरेफसिन। विषम कौन है इरेफसिन, क्योंकि इरेफसिन प्रोटीन को पचाता है बाकी सभी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट को पचाने में काम आती हैं। नेक्स्ट है इनमें से क्या विषम है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या विषम है आपको देखना है। गोसीमा टेबल टेनिस को कहा जाता है, सीयू खो खो को बोला जाता है एंड चौरंग जो है चेस यानी कि शतरंज को बोला जाता है। यहाँ पे विषम है ऑप्शन नंबर घ ब्रिज हॉर्स राइडिंग, ये इससे संबंधित नहीं है। ब्रिज जो है हॉर्स राइडिंग यह गलत है, इसे ब्रिज मतलब होता है ताश के पत्तों से संबंधित खेल है। ठीक है नेशन इनमें से क्या विषम है, तो यहाँ पे दांतों के चार प्रकार होते हैं इंसीजर केनाइन प्रीमोरल मोरल, जिसमें से इंसीजर 4 2 4 6 ऊपरी जबड़े में 16 और निचली जबड़े में 16, तो 16 पंक्ति के हैं आपके 4 2 4 6 यानी कि ऊपर में 4 इंसीजर यानी कि ऊपर नीचे मिलाकर के 8 हो गया एंड केनाइन जो है ऊपर नीचे 2 2 यानी 4 हो गया एंड प्रीमोरल ऊपर नीचे 4 4 यानी 8 हो गया एंड मोरल जो है ऊपर नीचे 6 6 होते हैं यानी 12 हो गया। तो यहाँ पे क्या विषम है इंसीजर आपका गलत है, ये 8 होता है बाकी सब सही है। नेक्स्ट है दोस्तों इनमें से विषम क्या है, टार्सल्स मेटाटार्सल्स इपिकोंडाइल ओलेक्रेनान, इसमें से क्या विषम है, तो दोस्तों यहाँ पे टार्सल्स जो है वह पैर की हड्डियों से संबंधित है जबकि मेटाकार्पल इपिकोंडाइल ओलोक्रेनान ये तीनों
हाथ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए टॉर्सल आपका क विषम है। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम क्या है? येलो एशिया, रेड अमेरिका, ब्लैक अफ्रीका। जबकि ब्लू आपका यूरोप से संबंधित है, ये आपका गलत है, ये विषम है। क्योंकि हमारे जो ओलंपिक झंडे होते हैं उसमें 5 छल्ले होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, जिसमें से नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक एंड काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक है। नेम्स एंड इनमें से क्या विषम है? तो दोस्तों यहाँ पे कार्डियोलॉजी हृदय यानी हार्ट के अध्ययन को कहते हैं राइट है, ऑस्टियोलॉजी बोन यानी हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं राइट है, आर्थोलॉजी ज्वाइंट यानी जोड़ों का अध्ययन को कहते हैं राइट है, बट यहाँ पे नेफ्रोलॉजी जो है वह कहा जाता है किडनी के अध्ययन को, यहाँ पे लीवर दिया हुआ है, इसलिए यही विषम है आपका। नेक्स्ट है, इनमें से क्या विषम है? तो यहाँ पे विषम क्या है आपको ये देखना है कि टिबियल्स एंटीरियर चोट को हम लेग पेन कहते हैं, क्वाड्रिसेप्स यानी कि जांघ के ऊपर जो मांसपेशी होती है क्वाड्रिसेप्स, उसमें चार्ली हॉर्स नामक चोट लगता है, इपिकोंडल या जो हमारी कलाई होती है उसमें टेनिस एल्बो होता है, एंड आपका विषम है फ्लैंजिल्स यानी कि ब्रसाइट हील आपका फ्लैंजिल्स में नहीं होता है, यह आपकी एड़ी की अस्थि की चोट होती है जो कैल्केनस की चोट होती है, हील की जो चोट होती है उसको कहते हैं ब्रसाइट हील। नेक्स्ट है, इनमें से विषम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका विषम दिख गया, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, पावलोव ने नहीं दिया है, पावलोव ने कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया है, और उसके अलावा सभी राइट है आपके। कंडीशनिंग वेस्टर्न इनसाइड थ्योरी आपका दिया है कोप का, ये आपके कोहलर असली है लेकिन कोप का भी इसमें शामिल है। प्ले इज लाइफ थ्योरी दिए हैं, जीवन ही खेल ही जीवन है, जॉन डीवी। नेक्स्ट है, इनमें से क्या विषम है? तो 1961 अर्जुन अवार्ड दिया से 1961 से अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है, राइट है। 1961 से एना सनाईस पटियाला की स्थापना हुई, ये भी राइट है। 1984 में साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, ये भी राइट है, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ आपका राइट नहीं है, यही आपका विषम है, क्योंकि 1957 में एलियन सीपीई लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, इनमें से क्या विषम है? यहाँ पे आपको देखना है कि टिबिया हड्डी कितनी होती है, दोनों पैर मिलाकर के 2 होती है, टार्सल्स कितनी होते हैं, एक एक टखने की जो हड्डी होती है दोनों में एक एक में 7, तो दोनों मिला के 14 होती हैं, रिप्स यानी जो पसलियां होती हैं जो बीच में मोटी हड्डी स्टर्नम होती है दोनों तरफ 12 जुड़ी रहती हैं, तो 24 कुल हुई, और जोड़ों में पूछा जाएगा तो 12 जोड़ी। एंड उसी प्रकार आपका यहाँ पे विषम है ऑप्शन नंबर ख फ्लैंजिस, क्योंकि ये फ्लैंजिस जो है 14 × 2 = 28, एक एक में 14 होती है तो 28 होना चाहिए। नेक्स्ट, इनमें से क्या विषम है? तो यहाँ पे आपको देखना है इसमें विषम क्या है। तो रिसीडिंग अर्ली गेट ऑफ सेंट्रल लेन कट, ये तीनों के तीनों आपके खो खो खेल से संबंधित है, बट आपका हेड डायरेक्शन नहीं है, हेड डायरेक्शन खो खो से संबंधित नहीं है, यहाँ पे शोल्डर डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, बाकी सब खो खो के फाउल से रिलेटेड है। नेक्स्ट, इनमें से विषम क्या है? तो यहाँ पे विषम क्या है देखते हैं, बास्केटबॉल के खिलाड़ी को हम केजर्स बोलते हैं, राइट है, बॉक्सिंग के खिलाड़ी को पुगलिस्ट बोला जाता है, एंड युगेश ट्रेन के खिलाड़ी को जॉकी बोला जाता है, बट टेबल टेनिस के खिलाड़ी को शटलर नहीं बोला जाता, टेबल टेनिस के खिलाड़ी को पैडलर बोला जाता है, बैडमिंटन खिलाड़ी को शटलर्स बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? तो यहाँ पे दोस्तों स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना साई की न्यू दिल्ली में हुआ है 25 जनवरी 1984 को, एनआईएस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट
जो है वो पटियाला में है, NLN IPE ग्वालियर में है, बट यहाँ पे NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। तो ये आपका राइट नहीं है, विषम है। नेशनल इन में से क्या विषम है? तो यहाँ पे सेंटर पॉस हॉकी जो है खेल सेंटर पॉस से शुरुआत होता है, राइट है। किक ऑफ से फुटबॉल आरंभ होता है, ये भी सही है। सर्विस से वॉलीबॉल शुरू होता है, ये भी सही है। बट बैक अटैक से खो खो शुरू नहीं होता, ये आपका विषम है। नेशन इन में से क्या विषम है? तो यहाँ पे आपको देखना है कि विषम क्या है। तो यहाँ पे 1500 मीटर, 10000 मीटर, 5000 मीटर, इसका शुरुआत करो स्टार्ट होता है, जबकि 800 मीटर का स्टार्ट स्ट्राइगर स्टार्ट होता है। नेशन इन में से क्या विषम है? सीजर्स, इसमें से सीजर्स आपका विषम है। उसके अलावा आपका हिचकिक, सेल एंड हैंग टेक्निक, लॉन्ग जंप की टेक्निक है, जबकि सीजर्स आपका हाई जंप की तकनीक है। नेशन इन में से क्या विषम है? तो यहाँ पे आपको देखना है कि विषम क्या है। तो इसमें आपका विषम है डायरेक्ट हिट, क्योंकि डायरेक्ट हिट जो है वो क्रिकेट में आउट होने की नियम से संबंधित है, बाकी सभी फुटबॉल से संबंधित हैं। यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है आपको दोस्तों, क्योंकि पुश पास आपका हॉकी से रिलेटेड है। थ्रो शब्द और गोल किक, गोल किक तो आपको फुटबॉल से रिलेटेड है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से क्या विषम है? तो यहाँ पे बैलिस्टिक एंड पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच एंड स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, ये तीनों के तीनों फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने की विधियां हैं, जबकि आपका फॉर्टलेग ट्रेनिंग जो है ये एंड्योरेंस यानी कि सहनशीलता को डेवलप करता है, इसलिए आपका फॉर्टलेग ट्रेनिंग आपका विषम है। नेशन इन में से क्या विषम है? तो यहाँ पे देखना है अंडर वाटर ट्रेनिंग, हाइपोक्सिक ट्रेनिंग एंड हाई एल्टीट्यूड, ये तीनों के तीनों रिलेटेड हैं हाइपोक्सिक ट्रेनिंग से संबंधित हैं। बट आपका ऑप्शन नंबर घ स्टेयर ट्रेनिंग रनिंग ट्रेनिंग आपका इससे संबंधित, हाइपोक्सिक ट्रेनिंग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है इनमें से विषम क्या है? तो निम्न में से क्या विषम है? तो यहाँ पे आपको देखना है कि फाइबर्स ज्वाइंट अचल संधि को कहते हैं, फिक्स ज्वाइंट अचल संधि को कहते हैं, साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट अचल संधि को कहते हैं। तो ये तीनों तो सेम है, बट आपका साइनोवियल ज्वाइंट जो है वो अचल संधि को कहते हैं, यानी कि मूवेबल ज्वाइंट को कहते हैं। तो आपका ख आपका राइट विषम है। नेक्स्ट है निम्न में से विषम क्या है? तो यहाँ पे स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे विषम है एवरेज ऑफ स्कोर मीन, मोर फ्रीक्वेंस फ्रीक्वेंट स्कोर मोड एंड हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर रेंज आपका है, राइट है। बट आपका मिडल स्कोर ऑफ फ्रीक्वेंसी मोड नहीं है, ये आपका विषम है। नेक्स्ट एंड इनमें से विषम क्या है? तो यहाँ पे आपको देखना है कि रूक, नाइट एंड बिशप, ये तीनों के तीनों चेस यानी शतरंज से रिलेटेड हैं, बस जबकि ए सी ई नहीं है। नेक्स्ट एंड इनमें से विषम क्या है? तो यहाँ पे आपको देखना है इवन इवर ऑनवर्ड यानी हमेशा अग्रसर आगे की ओर, एशियार्ड गेम का मोटो है। एंड ख है आपका पेस, प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, ये आपका सैग यानी साउथ एशियन गेम का मोटो है।
एंड सी टी एस आर टी एस फोर टी एस आई ओ सी के जो प्रतीक चिन्ह झंडा होता है उस पर मोटो ओलंपिक का मोटो है सी टी एस आर टी एस फोर टी एस, जबकि ऑप्शन नंबर ग जो है वो ऑलवेज फॉरवर्ड एशिया का मोटो नहीं है, किसी का मोटो नहीं है, तो आपका ये ग आपका विषम है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विषम है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि विषम क्या है, तो एशियाड सैफ एंड ओलंपिक ये तीनों के तीनों जो हैं मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट से संबंधित हैं, स्पोर्ट्स को संचालित करने वाली एक संस्था है, जबकि फीफा जो है ओनली फुटबॉल खेल को संचालित करती है। नेक्स्ट है सीपीआर का पूरा नाम क्या है, तो सीपीआर का पूरा नाम है कार्डियो पल्मोनरी रिसेशन। सीपीआर जो है जब कोई इंसान एकाएक उसका हृदय गति रुकने लगता है तो उसके वक्ष को जो है थपथपाया जाता है जल्दी जल्दी, जिससे उसका जो बैलेंस वह बना रहे कुछ देर के लिए डॉक्टर से ले जाने से पहले उसका जान बचा रहे, उसके लिए सीपीआर दिया जाता है। नेक्स्ट गति यानी स्पीड का लीवर, किस लीवर को कहा जाता है, तो थर्ड प्रकार के लीवर को हम गति का लीवर कहते हैं, जबकि प्रथम प्रकार के लीवर को संतुलन का लीवर, द्वितीय प्रकार के लीवर को बल का लीवर एंड तृतीय प्रकार के लीवर को थर्ड क्लास के लीवर को हम गति का लीवर कहते हैं। नेक्स्ट है हृदय में सेमिलुलर वाल्व कितने होते हैं, तो दो सेमिलुलर वाल्व होते हैं, एक पल्मोनरी एंड एक एरोटिक वाल्व। पल्मोनरी वाल्व वो होती है जब दाएं नीलय से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी वाल्व के रास्ते फेफड़ों में जाता है शुद्ध होने के लिए, वहां से शुद्ध होकर के जब पल्मोनरी सीरा के द्वारा बाएं अलिंद में बाएं अलिंद से बाएं नीलय से जब बाएं नीलय से शुद्ध रक्त जो है एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाता है, वहां से समस्त शरीर को भेज दिया जाता है। तो ये सेमिलर वाल्व जो है दो होते हैं, पल्मोनरी वाल्व एंड एरोटिक वाल्व, जबकि हृदय में चार वाल्व होते हैं, एक दाएं अलिंद दाएं नीलय के बीच ट्राइकैस्पिड वाल्व, एक बाएं अलिंद बाएं नीलय के बीच बाइकैस्पिड या मिट्रल वाल्व, और दो सेमिलर वाल्व पल्मोनरी एंड एरोटिक, इस प्रकार चार वाल्व होते हैं। तो कितने होते हैं सेमिलर वाल्व, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, पल्मोनरी एंड एरोटिक वाल्व दो होते हैं। नेक्स्ट है मंडूकासन किस रोग के लिए लाभकारी होता है, तो मंडूकासन जो है वो डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग के लिए लाभकारी होता है, डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग के लिए लाभकारी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों वेलोड्रोम किस खेल के मैदान को कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो साइकिलिंग खेल के मैदान को हम वेलोड्रोम कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। एंड दोस्तों फीडे खेल की किस खेल की फेडरेशन है, तो फीडे जो है वह फेडरेशन है चेस यानी कि शतरंज की, विश्व में खेल शतरंज खेल को संचालित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रॉबेरी किस चोट का उपनाम है दोस्तों, तो एवरेजन यानी कि जिसमें त्वचा की चोट होती है और त्वचा छिल जाती है, रगड़ हो जाती है, रेडनेस हो जाता है, उसी को हम स्ट्रॉबेरी एवरेजन को कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर पांच टीम है तो लीग में कितने मैच खेले जाएंगे, तो लीग टूर्नामेंट में टीमों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n-1/2, तो 2n-1/2 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5-1/2, यानी कि आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 5×4/2, तो 5×20/2 यानी काट देंगे 10×2 कितना आ जाएगा, कितने मैच खेले जाएंगे दोस्तों, तो कुल मैच खेले जाएंगे 10, कितना 10। नेक्स्ट दोस्तों इनफॉर्मिटी ऑफ स्कोर किसे कहा जाता है, तो किसी भी परीक्षण को बेहतरीन परीक्षण के लिए अच्छे परीक्षण के लिए रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी
नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड का होना आवश्यक है। तो इसको यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्कोर कहा जाता है, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तु निष्ठता को याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।